नीति वैली में एक खूबसूरत गांव गमसाली, पहाड़ों के बीच बसा यह गांव घाटी का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा गांव है। वक्त में कहीं ठहरा यह गांव वक्त में कहीं पीछे लेकर जाता है, जहां से आज बड़ा सुंदर दिखता है। दो दिन गमसाली में बिताने के बाद आज का सफ़र है हमारा नीति और टिम्बरसैंण महादेव का। पहाड़ों की सुबह ना एकदम मज़ेदार होती है, बीन द मोमेंट वाली वाइब आती है। रात को बारिश थी पर सुबह कुछ नरम सी है, न बारिश न धूप, एकदम परफेक्ट वेदर। और इस परफेक्ट वेदर में मैं और मेरी बाइक। तो हम निकल चुके हैं गमसाली से और नीति जस्ट उन पहाड़ियों के बीच में हम लोग। आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी GoPro सेट नहीं हो रहा ढंग से, इसका जो माउंट है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो इस चक्कर में उसका सेट हो नहीं पा रहा माउंट। बट आपको रोड की कंडीशन दिख रही होगी कि किस टाइप की अभी रोड है। रोड भी ठीक ठाक है, वाला पैच खराब है थोड़ा सा, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा पैच खराब है, पूरी रोड खराब नहीं है। कितनी प्यारी लग रही है आते हुए, मस्त लग रही नदी। और यहाँ से अब पहाड़ थोड़ा बदल गए हैं, मतलब जो डाउन के पहाड़ थे वो एकदम उस टाइप के थे, क्या बोलते हैं, चट्टाने थी, यहाँ पे अब थोड़ा मिट्टी टाइप के पहाड़ है। और जो आप आगे गाँव देख रहे हैं ये नीति है। अरे पुल टूट रखा है या फिर गेट है, और गेट है तो इतना खतरनाक गेट क्यों है भाई। पांच किलोमीटर राइड करने के बाद हम पहुंचे नीति। नमस्ते जी, कहाँ से आए आप? हम मैं पौड़ी गढ़वाल से। अच्छा, हाँ जी। कब आए? मैं अभी आया, एक दो घंटे हो गया। हाँ जी, यहीं तक। सो लाइट, नमस्ते जी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी हमें नीति विलेज में, जो कि बॉर्डर का सबसे लास्ट विलेज है, इंडिया एंड तिब्बत बॉर्डर का लास्ट विलेज है। और अभी हम एक गांव की छोटी सी हाइक ले रहे हैं, गांव का कल्चर देखते हैं, गांव में कैसे घर हैं, क्या यहां का फूड है, हर चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। और अभी जो यहां पे लोगों से बात हुई, जो भी यहां पे लोग मुझे मिल रहे हैं, तो काफ़ी मतलब वार्म हार्ट से जो मतलब वो स्वागत कर रहे हैं, मतलब एकदम से जो चेहरे पर उनकी स्माइल आ रही है बात करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कंफर्टेबल हो जाता है आदमी ऐसी जगह पे, बहुत अच्छा लगता है, जैसे अपना घर सा लगता है। सो ऑलराइट, हाइक करते करते हम गांव के सबसे ऊपर आ गए हैं, जो गांव में सबसे ऊपर का घर है। इसके जस्ट ऊपर पे आर्मी की चौकी है, ITBP की यहां पर चौकी है। उसके आगे जाना हमारे लिए अलाउड है नहीं, सिर्फ आर्मी पर्सन ही आगे जा सकता वहां से।
और आज यहाँ पर भगवती माँ का जो पाठ हुआ था उसका समापन हुआ। तो गांव वालों ने मुझे ऑफ़र किया कि आप यहाँ पर रुकिए और खाना खाकर ज़रूर जाना, पर हमें कहीं और भी जाना है। हमें यहाँ पे एक टेम्पल है टिम्बरसैंण महादेव का, जो मैंने पीछे छोड़ दिया। जब मैं आगे आ रहा था तो मुझे पता नहीं था कि वो रास्ता कहाँ से है, तो मैं जस्ट आगे आ गया। पर जस्ट घमसाली और नीति के बीच पे एक टेम्पल पड़ता है रोड पे, उसी से हमें ऊपर जाना है। तो अभी हम टिम्बरसैंण का जो टेम्पल है वहाँ जाएंगे। फ़िलहाल आपको हम यहाँ से गांव के नज़ारे दिखाते हैं, और यहाँ से जो प्यारी सी पीक्स दिख रही है, बहुत बहुत बहुत, बहुत प्यारी पीक्स दिख रही है, उनके भी आपको हम व्यूज़ दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये गांव के सबसे टॉप से जो व्यू आता है वो कुछ ऐसा व्यू आता है। और ये जो हम बोल रहे थे आर्मी की चौकी है, वो जस्ट ऊपर पे आर्मी की चौकी है और ये लास्ट घर है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी घर बहुत पुराने पुराने भी हैं, 1800 के टाइम के भी घर हैं यहाँ पे, बहुत पुराने पुराने घर भी हैं जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। फिलहाल अब यहाँ से माउंटेन्स बदलने लग गए हैं, बिल्कुल उन पे अब मिट्टी भी आ चुकी है, मतलब ये घास घूस हो रही है। बाकी अगर आप उस साइड देखेंगे जहाँ पे हम घमसाली में थे, तो वहाँ पर बिल्कुल चट्टानों वाले पहाड़ थे। सो ऑलमोस्ट हमने पूरा गांव घूम लिया, हाइक कर लिया पूरा गांव, और अभी हम यहाँ से चलते हैं। बारिश का आज बहुत मौसम है, आज बादल बहुत आ रहे हैं। वो तो लग रहा है कि ऐसी किस्मत है, ब्लेसिंग है कि अभी तक बारिश आ नहीं रही है, वरना बारिश आ सकती है। टाइम 12 बज गए और हमारा स्टे आज भी घमसाली होगा, और अब यहाँ से निकलते हैं। आज यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, 4-5 गाड़ियाँ आई हैं, क्योंकि यहाँ पे आज भगवती माँ की पूजा थी, वरना यहाँ पे लगता नहीं ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते, पर आप आ सकते हैं। और ऊपर पे हमने आर्मी वालों से परमिशन ली, देन हमने ड्रोन उड़ाया था, बिना परमिशन के हमने ड्रोन उड़ाया नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ गांव गांव का शॉट निकालना, इधर इधर का शॉट निकालना, तो हमने सिर्फ गांव का शॉट निकाला, ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा दौड़ाया नहीं ड्रोन को। और अगर आप भी कभी आते हैं तो पहले गांव वालों की परमिशन ले लें और आर्मी वालों की परमिशन ले लें, स्पेशली ऐसे बॉर्डर वाले एरियाज़ में, मतलब परमिशन थोड़ा ठीक रहती है कि बाद में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए पूछ लेना बेटर है। अच्छे से बात आप करोगे, वो भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, मज़ा आएगा आपको। नीति के बाद मैं पहुंच गया टिम्बरसैंण महादेव। घमसाली और नीति के बीच स्थित यह मंदिर महादेव को समर्पित है। जो ये आपको अभी आगे दिख रहा है स्लूप है, कितना प्यारा स्लूप है, यहाँ से और सीधा नीचे तक। शायद कैमरे में छोटा दिख रहा होगा, बट बहुत बड़ा स्लूप है वो नीचे के लिए। थोड़ा सा और होगा अभी ऊपर पे। दो या 2.5 किलोमीटर की हाइक है, और बहुत प्यारी सी हाइक है, रास्ता एकदम मस्त सा। और जो मतलब इस ट्रैक पे जो चार चांद लगाती है वो लगाती है, जो पास में जो प्यारी सी नदी बह रही है ना, उसके व्यूज़ बहुत मस्त हैं। यहाँ पर भी एकदम बढ़िया सी बह रही है और एकदम प्यारे से व्यूज़ हैं, और मैं मंदिर के अंदर जा नहीं सकता हूँ, कुछ पर्सनल इशूज़ हैं, तो मैं बाहर से ही देख लूँगा। वहाँ पर से थोड़ा सा आगे जाऊँगा, वहाँ से मैं देख सकता हूँ, पर अंदर नहीं जा सकता हूँ कुछ टाइम तक। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे शंकराचार्य जी आए,
तो 100-200 लोग तो उनके साथ ही थे, प्लस और भी जो लोग थे कि शंकराचार्य जी आ रखे हैं तो और लोग भी आ गए, वरना यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। यहाँ पे जस्ट मतलब कि घमसाली मलारी ये जो नीति है आसपास के गांव के लोग ही आते हैं, ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, बाहर से कोई ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। फिलहाल हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से कैसे व्यूज़ दिखते हैं आगे।